हेलो एवरीवन मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसन भाकरी की रेसिपी या इसे झुनका भाकर भी कहते हैं या फिर कुछ कुछ लोग इसे पिटला भी कहते हैं तो ये बेसिकली बेसन की सब्जी होती है जब घर में आपके पास में कोई सब्जी ना हो तो इसे आसानी से बनाया जा सकता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैं बना रही हूँ तड़का तड़का वैसे नॉर्मली तेल का बनता है पर यहाँ पे मैंने घी का बनाया है और घी इसकी बहुत टेस्टी लगता है बेसन में तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया दो आ, चम्मच जो है वो घी लिया है देसी घी और उसमें डाल दिया है लहसुन लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे जिससे उसका लहसुन का जो है ना कच्चापन दूर हो जाए और उसको जलाना नहीं है हमें बस थोड़ा सा पकाना है तो यहाँ पे मैंने ली है एक चम्मच मिर्ची लाल मिर्च जो तीखा लाल होता है वो वाला लिया है और ये गरम गरम घी को जो है हम इसमें डाल देंगे तो हमारी मिर्ची भी पक जाएगी और लहसुन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है और ये तैयार हो गया हमारा जो है घी तो बेसन जब भी बनाए तो इस तरीके से घी या कई लोग जो होते हैं वो तेल भी तैयार करते हैं इस तरीके से लहसुन वाला तो ये जब ऊपर से डालते हैं ना तो हम बेसन में चार चांद लग जाते हैं आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए और अगर आपने ट्राई किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा तो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं बेसन की तैयारी कर रहे हैं यानी झुनका की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप के करीब बेसन लिया है आधा कप से थोड़ा ज़्यादा था उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और अब पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला सा घोल तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ आपकी फ़ैमिली बड़ी हो तो आप इसको क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं या कम हो तो कम भी कर सकते हैं तो ये हम चार लोगों का आराम से पोर गया था उस हिसाब से मैंने ये बनाया है तो इसको पानी डाल के हमको बिल्कुल पतला कर लेना है और उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है ताकि उसमें कोई गांठे ना रह जाए तो याद रखें उसमें गांठे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे मैंने तेल लिया है और तेल में डाल दी है सरसों सरसों को एक चम्मच के करीब सरसों के दाने लिए हैं और उनको तड़का लेंगे अब हम अब थोड़ा सा मैं डालती हूँ हींग क्योंकि जो बेसन है वो थोड़ा सा बादी करता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इसलिए इसमें हींग डालेंगे तो यहाँ पे मैंने बनाया है ये मिक्सचर हरी मिर्च लहसुन और अदरक को जो है एक इंच के करीब अदरक और तीन चार लहसुन और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कूट लिया था तो अब इसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें तो ये हमारा इस इससे न बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे बेसन में एंड गाइज आप लोगों ने ये आपके घर में ये बनता होगा बना है कि नहीं कभी या आप लोग आज ये रेसिपी देख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैं क्या बोलती जा रही कुछ भी तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था तो उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मैंने ली है ये मटर ये सफल मटर है अगर आपके पास में ताजी मटर हो जो मार्केट में आती है इस वक्त तो नहीं आ रही है तो मैंने यहाँ पे सफल मटर ली है तो उस सफल मटर को भी आप इसमें डाल के थोड़ा सा हम पका लेंगे मुझे ऐसा लगता है वो ऑलरेडी तो पकी हुई तो होती है पर फिर भी थोड़ा बहुत जो कच्चापन होगा वो इससे चला जाएगा आप डाल देंगे थोड़ा सा नमक सीजनिंग कर लेंगे इसकी आप साथ के अनुसार नमक डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब लिया था क्योंकि आधा चम्मच मैंने ऑलरेडी बेसन का जो घोल बनाया था उसमें डाला हुआ है तो यहाँ पे मैंने इसलिए आधा चम्मच डाला कभी इसमें ज़्यादा हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते फिर तो बिगड़ जाती है सब्ज़ी और कम हो तो आप ऊपर से थोड़ा बहुत डाल सकते हो तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी और दो चम्मच डेढ़ चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च डाली थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और एक चम्मच के करीब हरा धनिया डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गाइज़ आपको ये रेसिपी अब तक अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा तो ये जो बेसन का घोल हमने बनाया था अब बारी आ जाती है उसको उसको डालने से पहले थोड़ा सा स्टर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नीचे बैठ गया होगा अगर कुछ लास्ट मोमेंट में कोई गाठ होगी तो वो भी निकल जाएगी अब इसको धीरे धीरे करके हमें मैंने इस वक्त आँच बिल्कुल कम कर दी थी क्योंकि बेसन बहुत जल्दी पक जाता है और ये जो पहले बेसन का घोल बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है एक कप के करीब और वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे तो बेसन जो होता है ना वो बहुत जल्दी पकने लग जाता है इसलिए मैंने आज को बिल्कुल कम कर दिया था कम आज पे हमें बेसन को पकाना है ताकि बेसन का भी सारा कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा और जल्द बहुत जल्दी ये गाढ़ा होने लगता है आप देख सकते हैं तो पाँच मिनट ही लगते हैं इसको बनाने में मतलब सारी प्रिपरेशन करने के बाद में तो केवल पाँच से दस मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है हमारे घर में ये संडे स्पेशल रेसिपी होती थी क्योंकि सैटरडे को पापा की छुट्टी सैटरडे संडे पापा की छुट्टी होती थी और सैटरडे को अधिकतर घर पर सब लोग काम निकाल लेते थे और संडे को थक जाते थे <laughs> तो ये रेसिपी जो है ये बेसन की सब्जी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है और सबको पसंद भी बहुत आती है चावल के साथ उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है इसको डेढ़ लगा के थोड़ा सा देर एक पांच मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे बेसन जल्दी पक जाएगा मुश्किल से पांच मिनट में देखिए कितना गाढ़ा हो गया है हमारा बेसन और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो गया है ये तो अब डाल देती हूँ ऊपर से थोड़ा सा धनिया और हमारा बेसन यहाँ पे बन के तैयार हो गया है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ बस अब लगाएंगे हम इसके बाद में अपनी थाली को तो आज मैं अपनी थाली भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी और हमारे यहाँ पर तो ये डेली में नहीं बनता है अब तो पहले बनता था लेकिन हाँ स्पेशल डिमांड पे मैंने ये से बनाया था हम घर में सबको बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे लग के, अब चालू कर रही हूँ मैं अपनी थाली को सजाना तो चावल लगा लिए वो चावल और बेसन ये झुनका इसका जो है कॉम्बिनेशन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे मेरी बाकी बनके तैयार है तो उसे भी मैंने रख दिया थोड़ा सा धनिया डाल दी थी और ये आ गई हमारी घी की बारी ऐसे ही आप घी के अगर आपको घी से नहीं करना है तो आप इसे तेल भी बना सकते हैं वो भी अच्छा लगता है बट ऑब्वियसली घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये घी तड़के वाला घी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है अब लग गई है मेरा सलाद और यहाँ मैंने उसे दिन आमरस बनाया था तो वो भी रख दिया मैंने आमरस इसमें और ये मैंने ठेचा बनाया था इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ तो अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर गाइस प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय